छतरपुर जिले में भारतीय किसान संघ द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए घोषित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक राज्य सरकार द्वारा घोषणा पत्र की बातों को अमल में नहीं लाया गया है। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष अयोध्या प्रसाद ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों का जल्दी मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भाई, किसानों की राजनीतिक द्वारा जो की गई घोषणाओं के अनुसार जो समर्थन मूल है, शासन ने 2700 रुपए क्विंटल गेहूं का खरीदने का वादा किया था, जो वादा अभी पूरा नहीं हुआ है और कई प्रकार की ये भ्रामक परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि शासन द्वारा कहा भी जा रहा है कि मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा? अभी जो पंजीयन हुआ है उस पंजीयन में 2200 ही निर्धारित किया गया है। इसलिए निवेदन है कि हमारे समर्थन मूल में 2700 रुपए क्विंटल देने का कष्ट करें, और एवं धान का 3100 रुपया खरीदने का वादा किया गया था, जो कि अभी तक धान खरीदी हो चुकी है परंतु उसका बोनस दिया जाए। इसी कारण अपना छतरपुर जिला में राजनगर तहसील एवं नौगांव तहसील में ओलावृष्टि इतनी अधिक हो गई है कि पूरी फसल नुकसान हो चुकी है। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि तत्काल सर्वे कराकर और उचित कार्रवाई कर उनको मुआवजा एवं बीमा की राशि तत्काल प्रभाव से दिलाई जाए। ऐसी मेरी इसी के साथ मेरे साथ में आए हुए किसानों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और मैं एक सभी लोग एक ऐसा काम करते रहेंगे तो आगे भविष्य में सरकार हमारी मांगों को ध्यान में रखकर कार्य करेगी।